हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जा रहे हैं केमिस्ट्री फॉर क्लास 9 मॉडल पेपर 2023 कराची बोर्ड। ठीक है, दो सेक्शन हम इसके कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन बी हम डिटेल में कर चुके हैं। अब हमारे हैं सेक्शन सी, जो कि 40% मार्क्स का है, और 60 का 40% बनता है 24। इस तरह सेक्शन सी के अंदर हमारे पास 24 मार्क्स है। हमें कोई 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और टोटल जो क्वेश्चन हमें दिए हैं वो 6 क्वेश्चन दिए हैं, और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 6 है। इट मीन्स कि डिस्क्रिप्टिव है, आपको डिटेल में आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है स्टेट बॉयज लॉ एंड ड्राइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन P1V1 इज इक्वल टू P2V2। सबसे पहले तो रॉबर्ट बॉयल के बारे में बता दें, 1662 की बात है। ठीक है, गैसियस लॉ पे उन्होंने काम किया था, और ये कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, यानी ये इन्होंने जो प्रोपोर्शन वो दिया है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जो रिलेशनशिप है वो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में है, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं, तो वी इज इक्वल टू के पी। ठीक है, के हमारा कांस्टेंट है। अब बी क्या है, वॉल्यूम है, पी क्या है, प्रेशर है, और के जो है कॉन्स्टेंट है। टेम्परेचर का यहाँ पर जिक्र नहीं, इट मीन्स कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो जो कांस्टेंट अलग कर लें, वेरिएबल अलग कर लें, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनती है, एक्सप्रेशन बनता है मैथमेटिकल, वो क्या बनता है, पीवी इज इक्वल टू के। ठीक है, अब द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, P1V1 इज इक्वल टू के, तो P2V2 इज इक्वल भी के हो जाएगा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। तो इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है, यानी P1 इनिशियल टेम्परेचर है, P2 फाइनल टेम्परेचर है, V1 जो है इनिशियल वॉल्यूम है, और V2 फाइनल वॉल्यूम है। एज द बोथ इक्वेशन हैव द सेम कांस्टेंट, दोनों का कांस्टेंट सेम है, देयरफॉर देयर वेरिएबल आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, उनके वेरिएबल भी इक्वल होंगे। ठीक है, दिस इक्वेशन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये जो रिलेशनशिप शो करे प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान शो करे। यहाँ पे एक आपको नजर आ रहा होगा डेटा, डेटा जो है हमारा जो है वो दिया हुआ है, और ये कैलकुलेशन से हमें प्रूव कर रहा है कि ये कांस्टेंट हमेशा सेम आएगा। जैसे प्रेशर जो है 1 था और वॉल्यूम 4 था, इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, प्रेशर जब 2 हो गया तो वॉल्यूम भी 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम आंसर भी 2 आ गया। इस तरह डेटा जो है हमें सेम कांस्टेंट दे रहा है, तो ये इसे प्रूव करते हैं बॉयज लॉ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्लासिफाई 3 टाइप्स ऑफ विद एग्जांपल। आपको जो क्लासिफिकेशन करनी है, टाइप्स बतानी है, बेसिस ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर की बतानी है, और उस इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग के हिसाब से 3 टाइप बताना। ठीक है, सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, दो तरह के बॉन्ड हमने पढ़े हैं, आयनिक और कोवेलेंट। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन नॉन मेटल एटम। ये नॉन मेटल के दरमियान होता है, मेटल शेयरिंग नहीं करता है, नॉन मेटल शेयर करता है, और दोनों जो है सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड आर द केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, अच्छा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम ऑफ द सेम काइंड, सेम में होगा, जैसे H2 बना है, Cl2 बना है, O2 बना है, ये सेम एटम से लिंक करके शेयर करके बनाते हैं, तो ये मॉलिक्यूल बनते हैं। अच्छा शेयरिंग ऐसा भी हो सकती है कि डिफरेंट एटम के दरमियान हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड, तो फिर क्या फॉर्मेशन ऑफ, जैसे अमोनिया बन सॉरी मीथेन गैस बनी है, वाटर बना है, अमोनिया बना है। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर, तो डिपेंडिंग ऑन अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फर्दर क्लासिफाई इनटू 3 टाइप, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट। 3 तरह के हमारी बॉन्डिंग हो सकती है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले सिंगल को देख लेते हैं, इसको शॉर्ट लाइन से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल में क्या होता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम इन विच
ईच एटम कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन के दिए, H2 मॉलिक्यूल बनेगा, कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये जो शेयर पेयर है दोनों के यूटिलाइजेशन में, एक दफा इसके वैलेंस शेल में रोटेट करेगा, एक दफा इसके वैलेंस शेल में रोटेट करेगा, इस तरह साइमल्टेनियसली दोनों की वैलेंस स्टेट कंप्लीट हो जाएगी और ये ऑक्टेट डुप्लेट रूल को फॉलो करते हुए स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड रिप्रेजेंटेड आइदर एज अ पेयर ऑफ डॉट, दो डॉट डाल सकते हैं क्योंकि सेम है, हम दोनों में डॉट भी डाल सकते हैं और अपोजिट बनाने के लिए क्रॉस भी डाल सकते हैं। ठीक है, सॉलिड लाइन, और इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। ठीक है, ईच हाइड्रोजन एटम एक्वायर्स अ हीलियम लाइक इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, और ये जो कन्फिगरेशन बनेगी होने के बाद वो क्या बनेगी, हीलियम की तरह बनेगी, तो इसलिए ये स्टेबल हो जाएगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें दूसरी टाइप, तो ये डबल डॉट लाइन्स हम शो करते हैं। ठीक है, और डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में हम कहते हैं द बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम इन विच ईच एटम कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन, दोनों जो है एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल हमने ऑक्सीजन के लिए हम और भी ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में भी यहाँ से हो सकता है। अब इसको कंसिडर करें तो देखो वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन की अभी कमी है। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन की अभी नोबेल गैस कंफर्मेशन के लिए इनको दो और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा ऑक्सीजन, दोनों करीब आ जाएंगे और शेयरिंग कर लेंगे, दोनों अपने दो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, इस तरह इनकी वैलेंस शेल जो है और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, दस द टू ऑक्सीजन एटम इन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओ टू आर बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरह हम ओ टू को रिप्रेजेंट करेंगे डबल लाइन के थ्रू। ठीक है, थर्ड हमारी जो एग्जाम्पल है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम तीन लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं द बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम इन विच ईच एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल किसके नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन ग्रुप 5 का, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और 3 इलेक्ट्रॉन की क्यों जरूरत है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो नियरेस्ट नोबल गैस कंफर्मेशन अटेंड कर लेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको देते हैं N2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, नाइट्रोजन हैज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन इज नॉन मेटल। ठीक है, आउटर शेल ऑफ नाइट्रोजन एटम कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन, टू नाइट्रोजन एटम शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन ईच फॉर्मिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेकिंग अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इस तरह N2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, और सेंटर में जिसके तीन पेयर हैं एक दफा ये इसके यूटिलाइज में आएगा, एक दफा इस साइड पर आएगा, इससे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसको तीन लाइनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ से देख ले, डायग्राम भी ड्रॉ करनी होगी क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, कितना ब्रीफ आप कर सकते हैं करेंगे, एक्सप्लेनेशन ज्यादा जाहिर है 2 या 3 लाइनों की आपको देनी पड़ेगी, और डायग्राम यहाँ पे मौजूद है सिंगल बॉन्ड की, दो एटम के दरमियान, दो नॉन मेटल डबल बॉन्ड की, दो शेयरिंग आपको नजर आ रही होगी, सिंगल में 1 शेयरिंग और ट्रिपल में 3 शेयरिंग। ठीक है, इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकते, 3 मैक्सिमम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्कस डिटेल द लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा लेंदी है, लेकिन इसको आप जितना ब्रीफ कर सकते हैं कर लेंगे क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये जो बोहर ने बताया था हमें, ठीक है, हमने प्रेडिक्टेबल के लिए लॉन्ग फॉर्म इंट्रोड्यूस कराया था, द एलिमेंट आर अरे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एलिमेंट जो है वो अरेंज किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, फर्स्ट यहाँ पर आएगा, सेकंड यहाँ पर, थर्ड इस तरह से। ठीक है, द वर्टिकल कॉलम इन द प्रेडिक्टेबल इज कॉल्ड ग्रुप, जो वर्टिकल कॉलम है वो ग्रुप कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉ कॉल्ड द पीरियड, जो हॉरिजॉन्टल रॉ है लेफ्ट टू राइट जा रही है वो पीरियड है। अब कितने ग्रुप ऑफ पीरियड, देयर आर 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स इन द लॉन्ग फॉर्म प्रेडिक्टेबल, जो लॉन्ग फॉर्म प्रेडिक्टेबल आपको नजर आ रही है उसमें कितने पीरियड है, 7 नंबर ऑफ पीरियड है, और ग्रुप्स कितने हैं, 18 है। ठीक है, ग्रुप्स आर डिनोटेड बाय रोमन नंबर, ग्रुप्स को जो हम लिखते हैं तो ये इस तरह से नंबरिंग नहीं करते बल्कि रोमन नंबर इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं, सबसे पहले ग्रुप को हम फैमिलीज भी कहते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा, वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है,
टॉप टू बॉटम अगर हम चाहें तो ये ग्रुप्स है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट द ग्रुप, जितने उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। वन ए में वन इलेक्ट्रॉन होता है तो वन ए कहते हैं, टू ए में टू इलेक्ट्रॉन होता है टू कहते हैं, थ्री ए में थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट। एट जो है उसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ग्रुप्स प्रोबेबली कम इन मोस्ट हैंडी व्हेन प्रेडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अगर हम बतानी है तो हम ग्रुप की मदद से बता सकते हैं, क्योंकि ग्रुप हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं। द ग्रुप्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 18, 1 से 18 तक है। इसमें ट्रांजिशन एटम एलिमेंट भी आ जाते हैं जिसको हम डी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएं। एंड सम ऑफ द ग्रुप्स हैव स्पेशल नेम, और कुछ के नाम स्पेशल है, जैसे अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, फिर यहाँ पे हेलोजिन है, नोबल गैसेस है, कुछ के स्पेशल नाम है, कुछ को हम पहले ग्रुप मेंबर के हिसाब से कहते हैं। जैसे यहाँ पे थर्ड वाला हमारा बोरोन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा नंबर ऑफ पीरियड की बात कर लें, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल रॉ की बात करें तो उसको हम पीरियड कहते हैं, जैसे लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएं, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में देखें आप दो ही एलिमेंट है, सेकंड और थर्ड में आपको नजर आ रहे होंगे 8-8 एलिमेंट है, ठीक है, और फोर्थ और फिफ्थ के अंदर आपको नजर आ रहेंगे 18-18 एलिमेंट है, 18 और 18। सिक्स के अंदर हमारा जो है 32 एलिमेंट है, सेवन स्टिल इनकम्प्लीट, अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, मिसिंग है, और इस वजह से इसमें 27 है। ये यहाँ से स्प्लिट करके इसको नीचे बॉटम पे लिखा जाता है ताकि एक पेज पे आ जाए, अदरवाइज ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल है। अब ये ग्रुप जो होते हैं उसकी भी कोई स्पेशलिटी है, करेक्टरिस्टिक है। अ न्यू पीरियड बिगेन व्हेन अ न्यू प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और शेल बिगेन बिगेंस फिलिंग विद इलेक्ट्रॉन। एक शेल कंप्लीट हो गया, अब इसमें फर्दर कैपेसिटी है, फर्स्ट शेल के शेल होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो दो एलिमेंट अकोमोडेट होंगे। सेकंड जब आएगा 33 इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तो वो सेकंड पीरियड इस्तेमाल हो जाएगा, यानी सेकंड एनर्जी लेवल आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं ब्लॉक्स की मदद से, तो आपको नजर आ रहा है कि चार ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो भी वैलेंस शेल का आखिरी कंफिग्रेशन होता है, सब शेल होता है, वो उसका ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक में 1 या 2 ए के ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक में 3 ए से लेकर 8 ए तक के ग्रुप आ सकते हैं, ये सारे, इसमें मेटल भी है, मेटोलाइट भी है, नॉन मेटल, ये सारे एस ब्लॉक मेटल होते हैं। डी ब्लॉक जो है हमारा आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ये ग्रुप 1 बी से 8 बी के दरमियान होता है, वैसे ही 10 होते हैं, कुछ कलेक्टिव होते हैं, ठीक है। बॉटम पे जो आपको नजर आ रहा है वो एफ ब्लॉक है, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और दो लाइनें आपको नजर आ रही हो, एक्टिनाइट 4F सीरीज की और लैंथेनाइट 5F सीरीज की, ठीक है। होप सो कि आप इतना एक्सप्लेन कर लेंगे तो ये काफी है, और ब्रीफ करके करना है, बहुत ज्यादा करके नहीं करना। कुछ ग्रुप्स के यहाँ पे मैंने नाम भी दे दिए हैं, आप इसको चाहे तो देख लीजिएगा, और कुछ पीरियड में भी यहाँ पे बता दिए कि शुरू और आखिर के एलिमेंट कौन से, इसको भी आप चाहें तो देख लें। जो नॉर्मल ग्रुप होते हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप कहते हैं, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन और आउटर ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे कुछ ग्रुप के नाम है अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हेलोजन और नोबल गैस, ये एलिमेंट के नाम है जो उसके अंदर है। फर्स्ट पीरियड जो है वो हमने बता दिया, वो हाइड्रोजन और हीलियम का है। सेकंड पीरियड जो है लिथियम से नियोन है। थर्ड पीरियड हमारा सोडियम से ऑर्गन एंड सोन। इसको आप देख लीजिएगा, अगर आप समझते हैं कि फादर आपके पास टाइम है तो आप लिख दीजिएगा, अदरवाइज इसकी इतनी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड एंड राइट एनी फोर डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंस बताना है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, और कितने कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको, फोर कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। ये डायग्राम्स आपको समझ आ रहा होगा, जिसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, और जिसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं वो एमॉर्फस होता है। ये जो है हार्ड होता है, और जो है इसकी शेप होती है, और इसकी कोई शेप नहीं होती है, हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं आराम से, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हम क्या कह सकते हैं, इन विच एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द सॉलिड एग्जिस्ट इन रेगुलर वेल डिफाइंड अरेंजमेंट, ठीक है। रेगुलर होते हैं इनकी शेप या आइंस, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और डिफाइंड अरेंजमेंट होता है। इसके एग्जाम्पल क्या, डायमंड है, ग्रेफाइट है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड की, तो हमारे आपको पता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इन विच एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज नहीं होते, डेफिनेट लैटिस पैटर्न पे ऑर्गेनाइज होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकती है, प्लास्टिक हो सकती है, गिलास हो सकती है, जेल हो सकती है, ये इसके एग्जाम्पल। अच्छा, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, इसमें से आपको जो चार इजी नजर आए तो आप
कर लीजिएगा कि कुछ रेफरेंस हमने लिखे हैं, दे डू नॉट हैव ज्योमेट्रिकल शेप, दे हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है, इनकी शेप खुद नहीं होती, इसकी होती है। अच्छा, इनका रेगुलर पैटर्न होता है, वाइड रेंज टेम्परेचर इनका होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, डिफरेंट आपको टेम्परेचर नजर आएगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, ठीक है। और ये जो है इमॉर्फस सॉलिड जो है वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, और ये जो है क्रिस्टलाइन होते हैं एनिसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल मतलब स्ट्रक्चर नहीं होता है, और ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर रिपीट होता है, इसमें स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होता है, ठीक है। और इमॉर्फस सॉलिड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, और फिक्स क्लेवेज प्लेन यानी अगर वो तोड़े तो वो बिखर जाएंगे, उसके कोई मखसूस उसमें नहीं होगा, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, फिक्स क्लेवेज होता है प्लेन पे, और स्मॉल पीसेस ऑफ सम शेप यानी अगर आप तोड़ेंगे तो उसी तरह का शेप बनेगी, और हमेशा सेम शेप होगी, इसके नए मॉर्फत में सेम शेप हमेशा नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन आपको बताना है, डिस्क्राइब एनी फोर मेथड फॉर इट्स प्रिवेंशन, आपको चार मेथड बताने हैं कि किस तरह से हम कोरोजन को रोक सकते हैं। कोरोजन का लफ्ज जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेटल, मेटल अगर डिसइंटीग्रेट होने लगता है या खराब होने लगता है तो उसके लिए, और आयरन जो लोहा है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रस्टिंग का लफ्ज, ठीक है। कोरोजन को हम डिफाइन कर सकते हैं ए नेचुरल प्रोसेस इन विच अ रिफाइंड मेटल इज कन्वर्टेड टू अ मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म सच एज ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, यानी वो प्योर मेटल नहीं रह सकता है बल्कि चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन से मिलेगा तो ऑक्साइड बना लेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और वाटर से मिलेगा हाइड्रोक्साइड बना लेगा, सल्फर से मिलेगा सल्फाइड बना लेगा, ठीक है। इस इज ग्रेजुअल ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल, यानी ग्रेजुअली वो मटेरियल जो डिकम्पोज हो टूट रहा है, यूजुअली मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद देयर सराउंडिंग, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन की तरह से होते हैं, कहीं पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कहीं पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और उसकी वजह से कहते हैं मेटल में कोरोजन आ जाता है, डिकम्पोजिशन ग्रेजुअली होना शुरू हो जाता है। अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आयरन को देखें तो आयरन के लिए हम स्पेशल लव्ज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आयरन को बहुत ज्यादा कोरोजन होता है, उसके लिए हम लव्ज इस्तेमाल करें रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें फिक्स नहीं है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें फिक्स है कि रस्टिंग जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। द आयरन रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन, ठीक है, ऑक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड बन रहा है आयरन का, किसकी प्रेजेंस है, वाटर के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन, अगर वाटर ऑक्सीजन नहीं होंगे तो रस्टिंग पॉसिबल नहीं है, रस्टिंग उसी सूरत में होगी जब वाटर और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हो, विच वी सी एज अ रस्ट, और हमें वो रस्ट ब्राउन कलर का नजर आता है, आयरन एंड स्टील रस्ट व्हेन दे कम कम इनटू कांटेक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन, सिर्फ उसी सूरत में रस्टिंग होगी जब वाटर और ऑक्सीजन से आयरन डायरेक्टली कांटेक्ट होगा, बोथ आर नीडेड फॉर रस्टिंग टू अकर, और जो बनेगा क्या, वो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, Fe2 आयरन का ऑक्साइड बनेगा और साथ वाटर मॉलिक्यूल, एक्चुअली ये हाइड्रोजन आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयरन हाइड्रोक्साइड, और ये N जो है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को शो करते हैं, ये डिपेंड करती है कि सराउंडिंग में कितना ज्यादा मॉइस्चर मौजूद है, ये तो हो गई हमारी कोरोजन। अब हम प्रिवेंशन को देख लेते हैं कि किस तरह से हम आयरन कोरोजन में बचा सकते हैं, बाय ग्रीसिंग, पेंटिंग, लॉइंग, मेटेलिक कोटिंग जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, कैथोडिक प्रोडक्शन प्रोटेक्शन, गैल्वनाइजिंग, एनोडिंग एंड ऑयलिंग ऑफ सरफेस, ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे की मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। एलॉय, सबसे पहले एलॉय हमने पहले अभी देखा, तो एलॉय मिक्सचर होता है मेटल और मेटल का या मेटल और नॉन मेटल का, अगर नॉन मेटल होता है तो बहुत कम क्वांटिटी में डालते हैं, ठीक है। एलॉय इज अ सब्सटेंस दैट कंबाइन मोर देन वन मेटल और मिक्सेस अ मेटल विद अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज एन एलॉय ऑफ टू मेटल कॉपर एंड जिंक, स्टील इज एन एलॉय ऑफ मेटेलिक एलिमेंट आयरन एंड अ स्मॉल अमाउंट अप टू 2% ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट कार्बन, ये तो हो गया एलॉय जो कि हमने अभी पहले शॉर्ट में भी किया था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग को कहते हैं, ठीक है, एक मेटल है उसके ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग, फॉर एग्जाम्पल जो चीप मेटल है उस पे जो एक्सपेंसिव मेटल होते हैं उसकी हम कोटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ मेटल विद अ थिन लेयर ऑफ अदर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस टू इम्प्रूव द मेटल्स कोरोजन रेजिस्टेंस, ताकि वो रेजिस्टेंस कर सके और कोरोड ना हो, फॉर इंस्टेंस यूटेंसिल है, कटलरी है,
पैन है, टैप्स है, कैटल्स है, ये इन सब वहां पे हम कोटिंग करते हैं, ठीक है, चीप मेटल से बना के, और थोड़ा ऐसा मेटल जिस जो वाटर रेजिस्टेंट कर रेजिस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी हम कोटिंग कर सकते हैं, कर देते हैं। दीज ऑल आर बेनिफिट फ्रॉम इलेक्ट्रोप्लेटिंग एज इट इज इम्प्रूव देयर लुक्स एंड मेक्स देम इजियर टू क्लीन। लुक भी अच्छी हो जाती है और आराम से सफाई भी हो जाती है। अच्छा, थर्ड वाला है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन से आपको नजर आ रहा है कि इसमें हम कैथोड इस्तेमाल करते हैं। कैथोड यानी बैटरी के दो टर्मिनल पर है, एनोड और कैथोड। तो इसके अंदर कैथोड को हम के बैटरी के कैथोडिक टर्मिनल से अटैच कर देंगे एनोड, इसको जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना चाह रहे हैं। अ टेक्निक यूज टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ अ मेटल सर्फेस बाय मेकिंग द कैथोडिक साइड ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल किया जाएगा। जिस सरफेस पे हमें करवाना है उसको बैटरी के कैथोड टर्मिनल पे अटैच कर देंगे, नेगेटिव टर्मिनल पे अटैच कर देंगे, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक उसके ऊपर मेटल जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और इस तरह कैथोडिक प्रोटेक्शन की मदद से हम किसी भी चीज को बेहतर बना सकते हैं। वाटर एंड फ्यूल पाइपलाइंस जो होती हैं, स्टोरेज टैंक्स होते हैं, शिप्स होती हैं और बोट्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर आमतौर पे कैथोडिक प्रोटेक्शन की जा के मदद से हम करते हैं, क्योंकि वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बजाय, एलॉय बनाने के बजाय हम कैथोडिक प्रोटेक्शन का प्रोसेस करते हैं। अच्छा, कोटिंग हम पेंट से भी कर सकते हैं, तो उससे भी वक्ती तौर पे बचाव हो सकता है। जैसे मेटल कोटिंग्स रेफर टू पेंट दैट इज अप्लाइड टू मेटल टू प्रोटेक्ट सर्फेस एंड प्रिवेंट कोरोजन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्ट लाइफ स्पैन। जैसे गाड़ियों के ऊपर आप पेंट कर देते हैं, दरवाजों के ऊपर पेंट करते हैं, तो वक्ती तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑयल पेंट यूज करते हैं, इमल्शन पेंट यूज करते हैं, एनिमल पेंट यूज करते हैं, विटामिन पेंट यूज करते हैं, एल्युमिनियम पेंट यूज करते हैं, एंटी कोरोजन कोरेसिव पेंट यूज करते हैं, सिंथेटिक रबर पेंट, बहुत तरह के पेंट होते हैं। तो कोटिंग को हम एज अ विथ पेंट भी हम एज अ कोरोजन प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है, डिस्क्राइब डिस्चार्ज टू बेसमेंट विद द लेबल डायग्राम। ठीक है, हमें लेबल डायग्राम डायग्राम ड्रॉ करनी होगी, एंड व्हाट वर द जस्टिफिकेशन एंड कंक्लूजन ऑफ जेजे थॉम्स और थॉम्सन। इसको हमको जस्टिफिकेशन भी बतानी है और कंक्लूजन भी बतानी। अच्छा, ये डायग्राम यहाँ पे मौजूद है, आप इसको देख लिया, आपके बुक के अंदर भी बहुत अच्छी डायग्राम दी है। एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर हमने एयर लो प्रेशर पे रखा हुआ है, यानी हॉलो किया हुआ है, यहाँ पे जो है ग्रीन ग्लो होगा, ये हिस्सा एनोड है यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये हिस्सा कैथोड है यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और साथ में एयर निकालने के लिए हमने वैक्यूम पंप इस्तेमाल किया है, जहाँ से एयर निकाल लेंगे तो ये वैक्यूम बन जाएगा, फिर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो ग्लो शुरू हो जाएगा, और ये हाई वोल्टेज करंट हमें पास करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्चार्ज बाय गोल्डस्टेन इन 1886 और जेजे थॉम्सन इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन इन 1897। यानी डिस्कवर जो किया था, बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसने बताया था, गोल्डस्टेन ने बताया था 1866 में बताया, और इसको जो आइडेंटिफाई किया, प्रूफ किया, वो किसने किया, जेजे थॉम्सन ने किया, और कब किया, 1897 में किया, ठीक है। तो इन दोनों का मुश्तरका काम कह सकते हैं, लेकिन नाम किसका आएगा, जेजे थॉम्सन का, क्योंकि उन्होंने इसको क्लेरिफाई किया था और आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा, आपकी बुक की है, हम इसको आगे फादर देख लेते हैं कि फादर क्या है। अब जेजे थॉम्सन डिस्कवर द फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिसर्चिंग कैथोड रेज टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, ठीक है। जेजे थॉम्सन वर्क कर रहे थे सब एटॉमिक पार्टिकल पे, उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, लेकिन जो एटम है वो न्यूट्रल, ठीक है, ये इस पे वो काम करते। थॉम्सन प्रपोज मॉडल ऑफ द एटम इन विच नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ही कॉल्ड हिज एटम द पाम पुडिंग मॉडल। ए पाम पुडिंग मॉडल कहते थे उसको, और उन्होंने ये सजेशन दी थी कि जिस तरह नेगेटिव चार्ज है इस तरह पॉजिटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि एटम जो है एक्चुअली न्यूट्रल है। तो इससे कंक्लूजन हमारा क्या निकला, कंक्लूजन ये हमारा ये निकला, आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सपेरिमेंट जेजे थॉम्सन कंक्लूडेड दैट रेज वर एंड आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट और मूविंग अराउंड
इन अ सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज पे जो रेज आ रही है वो नेगेटिव है. दिस थ्योरी फर्दर हेल्प द फिजिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. और इसकी वजह से आगे चल के जो फिजिस्ट थे उनको स्ट्रक्चर का एटम समझ आया. अच्छा, इसकी जस्टिफिकेशन कैसे दी जा सकती है? अच्छा, गोल्ड स्टेन जो थे वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट द नेम इलेक्ट्रॉन फॉर द चार्ज पार्टिकल. हाउएवर इट वॉज जे जे थॉम्सन हु डिस्कवर इट एंड शोड द एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. और फिर उन्होंने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में कन्फर्म किया. तो ये इनकी जस्टिफिकेशन हो गई, ये इनकी कंक्लूजन हो गई, और इन्होंने ये बताया है. और पीछे जो हमने यहाँ पे किया था डिस्चार्ज ट्यूब को, ये हमारे पास है, ठीक है. और इन्होंने ये बताया था कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तो वो आइडेंटिफाई कर चुके थे, तो जाहिर है कोई ऐसा सब्सटेंस वहां पर होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, इसीलिए एटम न्यूट्रल है. ओके, थैंक यू. होप सो कि आपको समझ आया होगा. फर्दर अगर कोई क्वेश्चन है और फर्दर एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं तो प्लीज मुझे मैसेज करें, कमेंट में मैसेज करें. थैंक यू.